Hey guys, Pixel here and welcome back to another video of Minecraft. तो guys, तुम्हारे भी आप लोग guys फिर से आ चुके हैं न्यू awesome amazing और धांसू वीडियो लेकर। चल चूटा। और गाइस आज की इस वाली वीडियो में तुम्हारे भी आप लोगों को बताएगा कि आप लोग कैसे बना सकते हो अपने वर्ल्ड के अंदर एक रेड फार्म को अपने वर्ल्ड के अंदर बनाते ही आप लोगों को उस रेड फार्म से मिलेगा अपना टोटम, अपना एमराल्ड, अपनी थोड़ी बहुत एरो और भी ज्यादा मस्त मस्त आइटम जो अपने को मिल सकते हैं एक रेड से, और भी बहुत कुछ मिलेगा आप लोग को उधर रेड फार्म बनाने के बाद। लोगों को काफी अच्छे अच्छे आइटम मिलेंगे यहाँ से, खाओ मां कसम। आप लोगों को रेडस्टोन, शुगर और भी बहुत कुछ मिल सकता है अपनी विच को मार के, और गाइस रेड फार्म बहुत एफिशिएंट है आप लोग के वर्ल्ड के अंदर, बहुत मस्त भी काम करेगा। गाइस हो सके तो अपने प्यारे हाथों से इस वीडियो को एक लाइक कर दें, क्योंकि गाइस आप लोग का एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है अपनी दूसरी वीडियो बनाने के लिए। और गाइस अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। कुछ तरीका है भीख मांगने का? गाइस बहुत ही बकवास तुम्हारा, बिना किसी बकवास के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करता है। सबसे पहले आप लोग अपना ग्राउंड से 40 ब्लॉक ऊपर आप लोग को लीफ लगाने के, ताकि आप लोग एकदम अच्छे से फार्म वगैरह अपना बन पाए। सबसे पहले आप लोग ग्राउंड से 40 ब्लॉक ऊपर जाने के अपना लीफ लगा के, चलो 40 ब्लॉक लगाने का आप लोग से मिलता हूँ। अभी कुछ ही ब्लॉक बचे और गाइस अपना 40 होने वाले, और गाइस अपना 40 हो चुका है। फिर आप लोगों को यहाँ पे 4x5 का प्लेटफॉर्म बनाने का, डायरेक्शन में आप लोगों को 5 ब्लॉक जाने का, और ये डायरेक्शन में आप लोगों को 4 ब्लॉक ऐसे लगाने के, तुम्हारा भाई लगा रहा है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे अपना 4x5 का प्लेटफॉर्म बना लोगे, उसको आप लोग को पूरा एकदम अच्छे से भर देने का, ताकि आप लोग यहाँ पे खड़े हो पाओ, और जो पिस्टन वगैरह काम करने का आप लोग किलिंग चैम्बर के लिए आप लोग वो भी कर पाओ। चलो मैं बनाने के बाद थोड़ा आप लोग से मिलता हूँ। प्लेटफॉर्म बना लेने के बाद आप लोग को पिस्टन लगाने का, एक पिस्टन आप लोग को ऐसे लगाने का, फिर उसके बाद आप लोग को दूसरा इसके बाजू में एक ऐसा लगाने का, फिर उसके बाद आप लोग को तीसरा सिर्फ उसके बाजू में से कोई आले ब्लॉक पे लगाने का, इसके एक बाद वाले ब्लॉक पर गाइस आप लोगों को यहाँ पर लगाने के, उसके बाद आप लोगों को चौथा यहाँ पर लगाने के। ओके, यहाँ पर जैसे आप लोग ऐसे चारों लगा गए, आप लोग ऐसे चारों लगाए तो आप लोग एकदम परफेक्ट लगा। फिर आप लोग को ऑब्जर्वर ऐसे लगाने का, आप लोग एरो देख के लगा सकते हो, अपना पिस्टन से चिपका हुआ रहना चाहिए। मतलब गाइस अपने ऑब्जर्वर का फेस अपने एक पिस्टन की साइड रहना चाहिए, और एक ऑब्जर्वर का फेस अपने ऑब्जर्वर के ऊपर रहना चाहिए। आप लोग को ऐसे अपने सब पिस्टन लगाने का, आप लोग यहाँ पर टोटल 8 ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ेगी गाइस, सॉरी पिस्टन की नहीं, 8 ऑब्जर्वर की। तो गाइस आप लोगों को सिर्फ 4 अपने ऑब्जर्वर का जो अपना एक फेस रहता है, एक जो अपना फेस रहता है वो पिस्टन की तरफ रहना चाहिए, फिर दूसरा ऑब्जर्वर का फेस जो है वो अपने ऑब्जर्वर के ऊपर रहना चाहिए। ऐसा करने का तुम्हारा भाई आप लोगों को बताएगा कि इसको आप लोगों को कैसे चलाने का, उसको अपना किलिंग चैम्बर बनाने के लिए आप लोगों को क्या करने का। चलो भाई पहले इसको कंप्लीट कर ले, तो मेरा भी बस बनने वाला है, थोड़ा बहुत और ही बचा, और क्या लास्ट पिस्टन लगाने का, फिर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब लास्ट ऑब्जर्वर। जैसे आप लोग को लगाने का यहाँ पर एक लीवर, ये इस ब्लॉक पर आकर आप लोग को लीवर लगाने का। मैं थोड़ा बहुत लीव से इसको एक्सटेंड कर लेता, ताकि तुम्हारा भाई एकदम अच्छे से खड़े हो पाए, यहाँ पे थोड़ी खड़े होने की जगह कम पड़ गई तुम्हारे भाई को, गाइस थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर लेना। आप लोग को भी अगर जगह कम पड़ गई तो आप लोग इसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो, ताकि एकदम आप लोग अच्छे से अपना फार्म वगैरह बनाओ, और आप लोग वाइन वगैरह लगा सकते हो अपना ऊपर नीचे करने के लिए। फिर आप लोग यहाँ पे लगाने का एक लीवर, गाइस तुम्हारा भाई अपना लीवर निकाल चुके, फिर आप लोग को यहाँ पे गाइस एक लीवर लगाने का ऐसे, उसको फिर आप लोग ओपन एक बार चेक करने का, फिर आप लोग उसको बंद करने का एक बार, देखो अपना फार्म फिर अपना चालू हो जाएगा, किलिंग चैम्बर देखो अपना चलने लगा पूरा का पूरा। उसके बाद आप लोग इसको एक बार चालू करने का, फिर एक बार इसको बंद कर देगा, वरना आप लोग के वर्ल्ड में बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट करेगा। फालतू लीवर यहाँ मत लगाना। उसके बाद आप लोग इसके अपने पिस्टन के ऊपर एक ट्राइडेंट मारने का, अपने ट्राइडेंट की एचपी कितनी भी ज्यादा लो, कभी भी यहाँ से डिस्पॉन नहीं होगा आप लोग को, जिसको परेशान अगर नहीं करोगे यहाँ से हटाओगे नहीं, तो आप लोग को फिर यहाँ पे 2 ब्लॉक हाइट की वॉल लगाने का, यहाँ पर नहीं है 2 ऑब्जर्वर पे अपने वो लगाने का अपना ग्लास। मैं फ्रॉड से यहाँ पे 2 ब्लॉक हाइट की वॉल लगाने का आप लोग से मिलता, फिर आप लोग को भी ऐसे लगाने का जैसे मैं लगा रहा हूँ, फालतू हरकत नहीं करने, थोड़ा गलती से लगे, फिर आप लोगों को यहाँ पे 2 ब्लॉक हाइट की वो लगाने से तुम्हारा भाई लगा रहा है, देखो आप लोगों को देख के लगा सकते हो गाइस मेरे को। A few moments later, 2 ब्लॉक हाइट की वॉल कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को आने का यहाँ पर एक स्टेयर और ग्लास लगाना, चलो मैं ग्लास लगा था, फिर मैं ग्लास लगा लेता यहाँ पे। तो गाइस आप लोगों को यहाँ पर आने का आप लोगों को लगाने का एक ऐसा ग्लास, और उसके बाद आप लोगों को लगाने का ऐसी स्टेयर, ताकि आप लोगों को यहाँ से एक्सपी वगैरह भी मिलती रहेगा। आप लोग एक्सपी नहीं चाहिए तो आप लोग ब्लॉक लगा सकते हो, अपने लिए एक्सपी बम भी बन जाएगा आप लोग के, अगर आप लोग एक्सपी जी यहाँ से तो आप लोग एक्सपी भी ले सकते हो। जितनी भी अपनी पिस्टन और ऑब्जर्वर के ऊपर आप लोग ने जो ब्लॉक लगाए, तो उसको आप लोग को 20 ब्लॉक ऊपर और लेके जाने का, ताकि अपने प्लेजर ऊपर से गिरे और लोग और लोग इधर नीचे गिरते ही मर जाए, फिर आप लोग का सभी सामान अपनी चेस्ट में आ जाए। आप लोगों को बताऊंगा आप लोग कैसे बना सकते हो, सिस्टम में आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो आप लोग को इसको पूरा 20 ब्लॉक की हाइट तक लेके आने का, चलो गाइस मैं फटाफट से इसको 20 ब्लॉक की हाइट तक लेके आता हूं, ताकि आप लोगों को एकदम से समझ में आए। तो चलो गाइस मैं इसको 20 ब्लॉक की हाइट तक लेके जाता हूं फटाफट से। इतना करने का आप लोगों को जो अपने बचे कुछ स्पॉट है उधर आप लोगों को लीफ लगा देना, ताकि अपने कोई भी पिलेजर अगर वहाँ पर स्पॉन ना हो ऐसे अपने, ठीक है समझ गया, फार्म के अंदर स्पॉन है जितना भी फालतू स्पॉट है, जितना भी फालतू ब्लॉक बचा आप लोगों को सबको लीफ से कवर करने का, इस फार्म को एक तरफ आप लोगों को ध्यान रखे लीफ से कवर करने का। गाइस अगर अपने प्लेजर कहीं भी फालतू जगह पर स्पॉन हो गए तो लोग अपने फार्म में स्पॉन नहीं होंगे, फिर आप लोग अच्छे से एक्सपी नहीं मिलेगी आप लोग के वर्ल्ड के अंदर, आप लोग इस बात का ध्यान रखने का। गाइस गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग कैसे बना सकते हो अपने लिए कलेक्शन सिस्टम। कलेक्शन सिस्टम बनाने के लिए आप लोग को यहाँ पर आने के अपने फार्म का जो अपना पिस्टन वगैरह लगाए थे, फिर आप लोग से 4 ब्लॉक तोड़ने का, फिर आप लोग यहाँ से आप लोगों को नीचे 3 लीफ लगाने का, 3 वगैरह ब्लॉक का भी यूज कर सकते हो अगर आप लोग को चाहिए तो। 4 ब्लॉक अपने यहाँ पे लीफ के लगाने का, ताकि आप लोग यहाँ पे अपने कलेक्शन सिस्टम के
एक प्लेटफॉर्म बना पर, तो आप लोग जैसे यहाँ पे चार ब्लॉक लगाओगे, आप लोगों को पांचवा ब्लॉक ऐसे लगाने का ताकि आप लोग यहाँ पे अपने स्टोन ब्रिक भी खड़े हो पर आप लोग के लिए प्लेटफॉर्म वगैरह बन पर ताकि आप लोग अपना कलेक्शन सिस्टम बना पाओ। तो यहाँ पे लगाने का टोटल अपने 6 ब्लॉक, तो 2 ब्लॉक जो पीछे के फालतू आप लोग बाद में तोड़ सकते हो। देखो आप लोग यहाँ पे ऐसे लगाने का 6 ब्लॉक और आप लोग फिर यहाँ पे 2 ब्लॉक जो फालतू के पीछे की आप लोग उसको तोड़ के हटा देना, आप लोग को 4 ब्लॉक की जरूरत है यहाँ पे गाइस जो बीच की अपनी है। आप लोग को यहाँ पे लगाने के अपनी 2 चेस्ट और 2 हॉपर, सबसे पहले आप लोग इसको फालतू को तोड़ देना। आप लोग को यहाँ पे लगाने के अपनी 2 चेस्ट ऐसे, फिर आप लोग को 2 चेस्ट और लगाने, आप लोग को 4 चेस्ट और 4 हॉपर लगेगा गाइस यहाँ पर। 4 हॉपर लगाने का आप लोग कोई भी रैंडम से अपने 2 हॉपर पर नहीं, जो अपोजिट है एक दूसरे के, उन दोनों के आप लोगों पर एक रेल प्लेस करने का यहाँ पर और एक यहाँ पर, आप लोग एक रेल प्लेस करने का अपने लगाने का आप लोग को माइनकार्ड विद हॉपर, आप लोग को यहाँ पर भी एक रेल प्लेस करने का, फिर आप लोग को लगाने का यहाँ पर अपनी एक माइनकार्ड विद हॉपर ताकि अपना आइटम माइनकार्ड विद हॉपर के थ्रू हॉपर में जाए, फिर अपना डायरेक्ट चेस्ट में जाएगा। इसे अपनी जो माइनकार्ड विद हॉपर वाली अपनी जो माइनकार्ड है उसको आप लोग को चारों तरफ से एकदम अच्छे स्टोन ब्रिक से कवर कर देना ताकि जरा से भी आजू बाजू हिले ना, वरना आप लोग का एकदम अच्छे से सामान अपना चेस्ट के अंदर नहीं जाएगा, तो आप लोग इसको एकदम अच्छे से कवर कर देने का है। आप लोग इसको एकदम अच्छे से अपने कवर कर देने का। देखो यहाँ पर तुम्हारे पास गलती से टूट कर देगा, तो तुम्हारा मैंने इसको एकदम अच्छे से कवर कर देगा, तो अपना किलिंग जमर एकदम डन हो चुके। आप लोग ऊपर कोई भी अपना ब्लॉक वहां से फेंक के चेक कर सकते हो कि अपना सभी का सामान अपनी चेस्ट के अंदर आएगा, उसको नीचे के फालतू ब्लॉक लगाएगा उसको भी आप गए आप लोग को तोड़ देने का। कैसे अपना मैं किलिंग चैम्बर के अंदर जाता हूँ, अपना चेक करता हूँ कि अपना सब सामान वगैरह नीचे जा रहा है कि एकदम अच्छे से अपनी चेस्ट के अंदर, वरना भाई मतलब नहीं बना के। चलो मैं अपनी रेल एक फेंक के चेक करता हूँ, तो मैं देखता हूँ अपनी रेल नीचे जा रही कि नहीं, अगर अपनी रेल नीचे चली गई अपनी चेस्ट के अंदर क्राफ्ट विद हॉपर के थ्रू अपनी चली गई हॉपर के अंदर, हॉपर के थ्रू चली गई अपनी चेस्ट के अंदर। चलो कैसे मैं नीचे आगे एक बार चेक भी कर लेता हूँ भाई, इसको मेरे को जो मैंने तोड़ा उसको मैं रिपेयर कर लूँ यहाँ पे फटाफट से। लोग यहाँ पर देख सकते हो कैसे, चलो मैं आप लोगों को नीचे आगे दिखा भी देता हूँ। कैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अपनी चेस्ट के अंदर अपनी रेल पहुंच चुकी एकदम कलेक्शन सिस्टम के थ्रू, यानी तुम्हारा मैंने कलेक्शन सिस्टम एकदम परफेक्ट बनाया, कुछ भी उसमें दिक्कत नहीं आई है। आप लोग जो चारों कॉर्नर पर आप लोग को एक ब्लॉक लगाने, देखो यहाँ पे आप लोग को एक ब्लॉक लगाने का, यहाँ पर एक ब्लॉक लगाने का आप लोग, और यहाँ पर एक ब्लॉक लगाने का, फिर आप लोग को यहाँ पर एक ब्लॉक लगाने का। आप लोग यहाँ पे आने का, आप लोग कोई भी एक डायरेक्शन में अपनी 7 ब्लॉक लगाने, देखो यहाँ पे आप लोग को जाने का 1, अपना यहाँ पे लगाने का 2, 3, 4, 5 लग गया भाई 5, अपना उसका लगाने का आप लोग को 6 और 7, यहाँ पे 7 डालने का, फिर आप लोग इसके यहाँ पर आने का एकदम। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता हूँ, यहाँ पर जैसे तुम्हारे भाई से गलत ब्लॉक लग गया, इसके आप लोग को डायरेक्शन में 7 ब्लॉक लगाए, फिर आप लोग उसके अपोजिट यहाँ पे आने का। देखो यहाँ पर आप लोग एक बना कॉर्नर छोड़ के यहाँ पर आओगे उसके, फिर आप लोग को लगाने का यहाँ पर अपने 7 ब्लॉक इस डायरेक्शन में गाइस। जहाँ पर आप लोग ने 7 ब्लॉक लगाया उसका एक कॉर्नर छोड़ के लेफ्ट वाला, फिर आप लोग उसके एक और बाजू में आने का, वहाँ पर आप लोग 7 ब्लॉक लगाने का, फिर आप लोग पूरे पूरे प्लेटफॉर्म को मिला देने का गाइस, एकदम अच्छे से पूरा कंप्लीट करने का आप लोग, इसको पूरे पूरे प्लेटफॉर्म को मिलाने का, तो अपने दोनों ब्लॉक साइड से और उसको पूरा भरने का। तो मैं आप लोग से गाइस मिलता हूँ करने करके आप लोग को इसको पूरा अपने जो फार्म है वहाँ पे आप लोग को एकदम साइड में 2 साइड पे आप लोग को लगाने के, अपने जो किलिंग चैम्बर का साइड है उसके एक और बाजू में आप लोग को लगाने के अपनी 6 ब्लॉक हाइट की वॉल, आप लोग को 6 ब्लॉक हाइट की वॉल खड़ी करने का, फिर उसके आप लोग लगाने का एक जंगल लीव्स। तो जंगल लीव्स जरूरी नहीं, आप लोग कोई और लीव भी यूज कर सकते हैं। फिर आप लोग को फार्म के यहाँ पर आने के आप लोग को लगाने का यहाँ पे एक ब्लॉक 2 ब्लॉक आप लोग को ऐसे लगाने का, फिर आप लोग को लगाने का इनके ऊपर भी स्टेयर और आप लोग उनके बाजू में 8 स्टेयर लगाने का। वो 1 अपना यहाँ पे गलत लगे और 1, 2 अपना 3 लगेगा, यहाँ पर 3 लगने के आप लोग इसको कंटिन्यू करने का, अपना 4, 5, 6 अपना इसका लगेगा, यहाँ पे अपना 7 लगा लेता हूं मैं, यहाँ पे 7 और 8 यहाँ पे अपना डन हो गया, आप लोगों को 8 लगाने के, फिर आप लोगों को लास्ट में एक ब्लॉक लगाने का गाइस। इतना करने का आप लोगों को यहाँ पर भी अपने जो ब्लॉक है इसको यहाँ पे पूरा कंप्लीट करने का, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करने का, फिर आप लोगों को मैं बताता हूं आप लोगों को कहां का अपनी स्टेयर लगाने का। पहले एक साइड अपनी डन हो गई, फिर आप लोगों को ये साइड पर अपनी स्टेयर लगाने का अपने को 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपना 7 और अपना 8, फिर आप लोग इसको भी एकदम पूरा अच्छे से एकदम बंद करके रख देने का यहाँ पर, यहाँ तक आप लोग इसको पूरा कवर कर देंगे। फिर उसके आप लोगों को लगाने का अपनी 6 ब्लॉक हाइट की वॉल, यहाँ पे फिर आप लोगों को लगाने का एक लीफ, सभी जगह अपनी 6 ब्लॉक हाइट की वॉल लगाने का। तो कैसे अपने तुम्हारे पे अपनी वॉल लगाने का काम भी अपना कंटिन्यू रखता है। लीफ लगाने के आप लोग यहाँ पे लेने का अपनी वाटर हो गए थे, गलती से मेरे से गलती से टूट गए थे, तोड़ने का नहीं था। कैसे आप लोग यहाँ पे आप लोग को लेने का वाटर बकेट, आप लोगों ने जितनी भी स्टेयर लगाए थे आप लोग सभी के ऊपर अपना पानी डालने का, यहाँ पर भी डालने का और आप जितनी स्टेयर लगाए सभी के ऊपर आप लोग को पानी डालने का। मैं दिखता हूँ अपने सभी के स्टेयर के ऊपर आप लोग को पानी डालने का, फिर आप लोग को वापस टाइन भी लगाने का हो गए थे, गलती से मेरे से गलत लग गया पूरा पानी का फ्लो। मेरे को तो लगता है तुम्हारे भाई का तो खराब वगैरह, क्योंकि एक भी गलत लगता है पूरा फ्लो खराब हो जाता है तुम्हारे भाई को लगा। आप लोग भी फ्लो ऐसे खराब हो जाते आप लोग लगाने का अपना वाटर फ्लो आप लोग ऐसा खराब हो जाता है, आप लोग यहाँ पे आगे एक साइन लगा सकते हो जिससे अपना वाटर फ्लो एकदम परफेक्ट नंबर बने लगे, तो आप लोग यहाँ पे आगे एकदम एक ओक साइन लगा देने के, तो आप लोग एकदम वाटर फ्लो एकदम ठीक हो जाएगा गाइस। अगर आप लोग गलती से वाटर वगैरह लग के अपना खराब हो जाता है तो आप लोग यहाँ पे एक साइन लगा सकते हो, फिर अपने पिलेजर लोग जो रहेंगे अपना पानी के थ्रू एकदम अच्छे से जाकर गिर जाएंगे, तो आप लोग एकदम चारों साइड पे आप लोग को साइन लगाना है ताकि आप लोग का वाटर फ्लो भी एकदम अच्छे से ठीक रहेगा। इस बार मैंने पूरी तरह अपना साइन लगा दिया, उसके लिए आप लोग यहाँ पे सभी ब्लॉक के ऊपर आप लोग को डालने का अपनी वाटर बकेट अपना पानी, तो सभी ब्लॉक के ऊपर तुम्हारे भाई ने पानी डाल दिया। आप लोग देख सकते हो अपना जो एकदम पानी का फ्लो एकदम बराबर हो चुका है, एकदम अच्छे से सब कुछ चल रहा है। मैं आप लोग को बताता हूँ अपने लोगों को मोटे सांड के लिए अपना जो सांड आता है एकदम
बड़ा सा गार्डियन रहता है, उसका नाम नहीं मेरे को पता गया। आप लोगों को उसके लिए यहाँ पे लगाने का अपना एक ओक साइन, ताकि आप लोग आप उसके लिए लाओ वगैरह का जुगाड़ कर सकते हो और नीचे आके वो मर जाए। आप लोगों को एक स्ट्रीट लाइन में गए अपना चार साइन लगाने का, तो कैसे मेरे से गलती थोड़ा गलत से लग गया। आप लोगों को एक ऐसे लगाने का, दो तीन, और फिर आप लोगों को चौथा लगाने का, उसके कैसे आप लोगों को लगाने का अपना तीन साइन, यहाँ पे लगाने का अपने तीन साइन, देखो 1 2 3, फिर आप लोगों को यहाँ लाइन में लगाने का एक, फिर उसके बाद वाली लाइन में आप लोगों को लगाने का 1 2, फिर आप लोग उसके लावा डाल के चेक करने का। आप लोग एकदम परफेक्ट लगाओगे ना गाइस, यहाँ पे लावा डाल के आप लोग चेक कर सकते हो, आप एकदम परफेक्ट लगाएगा। आप लोग के भाई ने एकदम परफेक्ट लगाया होगा, जल्दी से मुझसे लावा लग गया तो ऑप्शन मिल गया, चलो मैं इसको तोड़े दो गए। आप लोग तुम्हारे भाई ने एकदम परफेक्ट लगाया, अपने लावा का फ्लो एकदम परफेक्ट है गाइस। आप लोग यहाँ पे डालने का अपना विलेजर, चलो मैं आप लोग को बता दो आप लोग अपने फार्म के अंदर विलेजर कैसे डाल सकते हो। भाई सबसे पहले मेरे को ऐसे निकलना पड़ेगा बाहर, चलो मैं आप लोग से बाहर मिलता हूँ। विलेजर को आप लोग को डालने के लिए आप लोग किलिंग चैम्बर के ऊपर आने का 8 ब्लॉक, फिर आप लोग को यहाँ पे ऊपर से आप लोग को 8 ब्लॉक लगाने का यहाँ पे, जहाँ पे अपना विलेजर रहेगा। तो चलो कैसे मैं यहाँ पे 8 ब्लॉक लगा लिया, फिर आप लोग को एकदम इसको अच्छे से एकदम कवर कर देने का अपने लीफ के थ्रू। भाई स्टोन ब्रिक वगैरह मत लगाना, मैं गलती से लगा रहा हूँ, आप लोग बाद में इसको हटा सकते हो, अपना लीफ से रिप्लेस कर सकते हो। गाइस अपना जो बेड वगैरह है तो अपनी नॉर्मल लीफ का प्लेस नहीं होता गाइस, मुझे शायद से अपना लीफ ही लगाना चाहिए। गाइस स्टोन ब्रिक से अपना प्लेस हो जाएगा, अपना स्टोन ब्रिक के ऊपर प्लेस हो जाएगा, लीफ पर नहीं होगा। मैं बाद में चेक कर लूंगा गाइस, अच्छे से सिक्योर कर देने का भाई एकदम अच्छे से, ताकि अपने विलेजर को कोई भी प्लेजर जाके मार ना दे, और एकदम एकदम अच्छे से इसको मैं कवर कर देता हूं भाई यहां पे आप लोग को लीफ लगाने का, ताकि अपने जो प्लेजर वगैरह अपने विलेजर के पास ना आ जाए। गाइस आप लोग अपना लेने का यहाँ पर अपने एक बेड, फिर आप लोग को बेड लगाने का अपने लीफ के ऊपर लगता नहीं गाइस, शायद से बेड अपना लीफ के ऊपर नहीं लगता, तो आप लोग यहाँ पे एकदम स्टोन ब्रिक ही लगाना पड़ेगा, वरना आप लोग का बेड लगेगा नहीं गाइस। आप लोग को लगाने का यहाँ अपना दो स्टोन ब्रिक, फिर उसके ऊपर आप लोग को लगाने का एक बेड, तो कैसे फार्म डाउन हो चुका, फिर कैसे आप लोग स्टोन ब्रिक को तोड़ के अपना लीफ से रिप्लेस कर दे, अपना बेड टूटे तो आप लोग स्टोन ब्रिक को रिप्लेस कर देना अपना लीफ से। आप लोग अपना विलेजर स्पॉन करने का, फिर रात होने का इंतजार करने का, जैसे रात की सो जाएगा अपने बेड पर, तो आप लोग एकदम मैक्सिमम फिर काम करने लगे अपना रेड फार्म, तो आप लोग को रात होने का इंतजार करना है। रात की अपना जो विलेजर है अपना एक बार अपने बेड पर अगर सो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे ऐसे सो जाएगा, फिर आप लोग स्लीव को पूरा ऊपर से कवर कर देने का, दैट इज अपना एक्सी फार्म बन के तैयार हो चुका है गाइस। अपना जो अपना रेड फार्म है बन के तैयार हो चुका है, फिर आप लोग कोई भी विलेज आउटपोस्ट पे जाने का, वहां से अपना रेड का इफेक्ट लेके आने का। चलो कैसे मैं रेड का इफेक्ट लेके आता हूं फटाफट गाइस, पर कैसे अपना रेड का इफेक्ट लेके आ चुका है। चलो आप लोग को मैं अभी दिखाता हूं भाई अपना जो अभी ओमिनस मैंने रेड का इफेक्ट ले लिया हो, और सभी रेड चालू होने वाली है गाइस। देख सकते हो जैसे अपनी रेड चालू है, अपने सभी के अभी प्लेजर स्पॉन हो गए, अपने सभी के सभी प्लेजर अपना नीचे आके मरने वाले गाइस। अभी लोग देख सकते हो कितने फट से लोग 2 मिनट हुआ नहीं, अभी लोग स्पॉन हो रहे, लोग मर गए गाइस, अपनी सेकंड रेड चालू होने वाली है गाइस। तो कैसे कितना मस्त और ओपी एक्सी फार्म में अपना रेड फार्म, आप लोग सारे सामान अपनी चेस्ट के अंदर आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग आगे बस आप लोग को ओमियस अपना इफेक्ट रहता है प्लेजर वाला, आप लोग को लेके आते रहेंगे, फिर आप लोग आगे नीचे मरेंगे, आप लोग एक्सपी भी देंगे गाइस, इसके साथ साथ आप लोग को सामान भी मिलेगा। आप लोग अपना नीचे चेस्ट में जाकर चेक भी कर सकते हो, तुम्हारे भाई ने यहाँ पे सब कुछ एकदम बना दिया, अपना एक्सी फार्म एकदम अच्छे से काम कर रहा है, आप लोग नीचे आके मर रहे हैं गाइस। गाइस टुडेस वीडियो है, आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तुमने पहले तो इस वीडियो को एक लाइक कर देंगे गाइस, आप लोग एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है अपनी दूसरी वीडियो बनाने के लिए। ओके आप लोग चैनल पर नए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना, आप लोग एक सब्सक्राइब से तुम्हारे भाई को बहुत अच्छा लगता है। इन फ्यूचर गाइस मैं आप लोग ऐसे फार्म से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा, चलो गाइस मैं मिलता हूं आप लोग ऐसे सब अमेजिंग और धांसू वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।